संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और इसी बीच संसद में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि ये बिल तो हमारा है। जाहिर तौर पर 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को पारित कराया था, हालांकि कुछ कारणों की वजह से ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। सोनिया गांधी जी कह रही है ये बिल तो हमारा है, अपना है, आप लोगों का अब क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये बिल हमारा है, ये सोच हमारी थी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सोच जब 2010 में राज्यसभा में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बिल पास हुआ तो देश की महिलाओं ने जश्न मनाया कि फाइनली हमें हमारा अधिकार मिलने वाला है। फिर लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया, बाकी अन्य पार्टी जो है इस पे सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का राजनीतिक पार्टिसिपेशन बहुत जल्दी हजम होता नहीं है। 10 साल लग गए बीजेपी को, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत था। अमिता जी बहुत बड़ी बात लेकिन हकीकत कह रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से लगातार सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी निरंतर हर पार्लियामेंट सेशन से पहले प्रधानमंत्री जी को बोलते थे, लिखते थे कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आइए, लेकिन इनको 10 साल लग गए। पकी पकाई खीर खाने की आदत है मोदी जी को, कोई दिक्कत नहीं है। आज महिलाओं का दिन है, देश की महिलाओं के लिए जश्न की बात है, लेकिन सोनिया गांधी जी को इसलिए थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि विजन उनका था, कमिटमेंट उनका था, लड़ाई उनकी थी। और आज जब ये हकीकत होता हम देख रहे हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि अब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि अरे आप चुनाव लड़ सकती हैं कि नहीं लड़ सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि संसद में जो इस वक्त सदस्य हैं उसमें हर तीसरी जो सदस्य होगी वो महिला हो सकती है। और देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस दफ्तर यानी 10 जनपद पहुंची है। किस तरीके से आप जश्न अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधेयक जो है आएगा, लेकिन किस तरीके से आप इसे देख रही हैं और कैसे जश्न में सरोबर हैं? ये तो आज जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, पूरा भारतवर्ष ऐसे दिवाली मना रहा है, उस तरीके से हम सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसीलिए महिलाओं का हजूम जो आज लगा हुआ है ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा उल्लास है। और हम सोनिया जी जो ये मोदी जी सामूहिक रूप से बताइए ना एक बार कि महिलाओं की जो ये आधी आबादी की लड़ाई है, मैं चाहूंगी सब बताएं कि कितनी जरूरी है और अब मजबूरी नहीं है। कोई मजबूरी नहीं, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है और अभी भी है। और सोनिया जी ने इन्होंने महिलाओं के हाथ इतने मजबूत कर दिए हैं कि अब किसी की वो नहीं है। अमिता जी अब ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो एक नए रूप में आ सकता है, कहीं ना कहीं अब क्रेडिट लेने की होड़ भी दिख रही है। 1996 से हम इस लड़ाई को देख रहे हैं, HD देवेगौड़ा ने भी संघर्ष किया, सोनिया गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार संसद के पटल पर रखा, हालांकि कांग्रेस इस मामले में काफी आगे है, एटलीस्ट राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन अब ये जो नया रूप है ये कितना हजम हो पाएगा कांग्रेस? देखते कैसा ड्राफ्ट आता है, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की मंशा कुछ और है, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की कुछ और। लेकिन पुनः मैं फिर कहूँगी, खुशी की बात है, महिलाओं के लिए दिवाली का दिन है, इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लंबी है। जो आपने कहा अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तो उसके 133 साल बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ा। पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने महिलाओं को फर्स्ट डे से वोटिंग का राइट दिया जैसे पुरुषों का राइट था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कांग्रेस की जो सोच है वो क्यों बाकियों से अलग है, क्योंकि हम हमेशा से इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वल स्पेस की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। अब तक संगठन में तो बहुत महिलाएं होती जा रही थी, लेकिन उन महिलाओं को जब तक आप पेनिट्रेट नहीं करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो कोई मतलब नहीं है। और जब तक रिजर्वेशन नहीं होता तो कोई उनको विनेबल मानता ही नहीं है। अब उनकी विनेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं होगा और उनका कानूनी अधिकार होगा कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। जिसने महिला इस तरीके से जो 10 जनपद में महिलाओं की जो भागीदारी है वो जिस तरीके से बढ़ने वाली है, संसद में अगर इस विधेयक को रखा जाता है, राज्यसभा में जो है ये पारित हो चुका है, अब लोकसभा में अगर ये पारित हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल मिल जाएगा। और उसके बाद यानी कि जो संसद के सदस्यों की इस वक्त संख्या है 543, उसमें हर तीसरी सदस्य जो है वो महिलाएं होंगी। 33% महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी जो सूत्र बता रहे हैं, और अब वो बहुत जल्द बिल बन जाएगा और वो जश्न जो है वो आप कांग्रेस दफ्तर में देख चुके हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अब ये बिल है तो बहुत ज्यादा जो इस वक्त स्थिति है वो है कि आखिर ये बिल लाया कौन। कांग्रेस का कहना है कि ये बिल तो वो लाई थी, वहीं बीजेपी अब लोकसभा में इस बिल को पारित करा के ये भी जताना चाहेगी कि महिलाओं को दरअसल उनके जो हक है वो तो बीजेपी ने ही दिलाया। कैमरा मैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 20।
कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपको हमने देखा राष्ट्रीय छात्र संघ से जिस तरीके से राजनीति का ये सफर रहा, आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वाकई में उसको अमली जमा पहनाया जाता है तो वो संघर्ष जो आपने किया और आने वाली महिलाओं को संघर्ष में कितना फर्क होगा? महिलाओं का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। ये एक पड़ाव हमने पार किया है, असली संघर्ष तो अब शुरू होगा जब महिला मैदान में उतरेगी। महिलाओं के मुद्दे, देश का विकास, देश की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर मुखरता से अब अपनी लड़ाई लड़ेगी, निर्भर नहीं रहेगी किसी पर। मुझे गर्व है श्रीमती सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 2010 का वो दिन था, 2010 में राज्यसभा में यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर राज्यसभा में संविधान संशोधन के माध्यम से महिला विधेयक पारित हो गया, पास हो गया। उम्मीद थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत मांग रही है, महिला विधेयक लाएगी, लेकिन नहीं हुआ। 9.5 साल इंतजार कराया, समय कितना लगना था? इतना जितना अब लगा है। कल कैबिनेट हुआ और आज आ गया, लेकिन आपने 9.5 साल क्यों लगा दिए हमें इस बात का? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोग कहते हैं भाजपा का विरोध करते हैं, बिल्कुल, हमने कृषि कानून आप जब लेकर आए किसान विरोधी, हमने उसका विरोध किया। अब दिल्ली सेवा बिल लेकर आए, हमने उसका विरोध किया। 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन उस वक्त जो चूंकि गठबंधन में था उसकी मजबूरियां भी होती हैं सरकार की, राजद और सपा ने विरोध किया, तो कांग्रेस उन्हें क्यों समझाने में विफल रही? नहीं, ऐसा है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम सहमति में बातचीत के रास्तों से रास्ता निकालते हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी, फिर भी हमने राज्यसभा में कर दिखाया। हमारे पास बहुमत 1993 में नहीं था, लेकिन हमने सहमति बनाई राज्यसभा लोक। कांग्रेस के सीनियर लीडर अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपको हमने देखा राष्ट्रीय छात्र संघ से जिस तरीके से राजनीति का ये सफर रहा, आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वाकई में उसको अमली जमा पहनाया जाता है तो वो संघर्ष जो आपने किया और आने वाली महिलाओं को संघर्ष में कितना फर्क होगा? महिलाओं का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। ये एक पड़ाव हमने पार किया है, असली संघर्ष तो अब शुरू होगा जब महिला मैदान में उतरेगी। महिलाओं के मुद्दे, देश का विकास, देश की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर मुखरता से अब अपनी लड़ाई लड़ेगी, निर्भर नहीं रहेगी किसी पर। मुझे गर्व है श्रीमती सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 2010 का वो दिन था, 2010 में राज्यसभा में यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर राज्यसभा में संविधान संशोधन के माध्यम से महिला विधेयक पारित हो गया, पास हो गया। उम्मीद थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत मांग रही है, महिला विधेयक लाएगी, लेकिन नहीं हुआ। 9.5 साल इंतजार कराया, समय कितना लगना था? इतना जितना अब लगा है। कल कैबिनेट हुआ और आज आ गया, लेकिन आपने 9.5 साल क्यों लगा दिए हमें इस बात का? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोग कहते हैं भाजपा का विरोध करते हैं, बिल्कुल, हमने कृषि कानून आप जब लेकर आए किसान विरोधी, हमने उसका विरोध किया। अब दिल्ली सेवा बिल लेकर आए, हमने उसका विरोध किया। 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन उस वक्त जो चूंकि गठबंधन में था उसकी मजबूरियां भी होती हैं सरकार की, राजद और सपा ने विरोध किया, तो कांग्रेस उन्हें क्यों समझाने में विफल रही? नहीं, ऐसा है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम सहमति में बातचीत के रास्तों से रास्ता निकालते हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी, फिर भी हमने राज्यसभा में कर दिखाया। हमारे पास बहुमत 1993 में नहीं था, लेकिन हमने सहमति बनाई राज्यसभा लोकसभा में, महिला आरक्षण पास हुआ और आज 14 लाख महिलाएं पंच सरपंच नगर पालिकाओं में है, 40% भागीदारी है आज उनकी निचले में, लेकिन अब ऊपर की लड़ाई को हम अभी भी कामयाबी से पूरा करेंगे। 78 मैम केवल लोकसभा में महिलाओं एमपी की, महिला एमपी की संख्या 78 है और 24 है राज्यसभा में, यानी कि इतनी कमी है। अब आपको क्या लगता है इस बिल के बाद कम से कम उम्मीदवारी तो आएगी, कम से कम वो नेतृत्व तो कर पाएंगे? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, हमारी 15 लाख महिलाएं नगर निगम पालिकाओं में हैं, ये अधिकार हमसे वंचित हमें रखा गया। 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली थी, उनके साथ लोकसभा में 5% महिलाएं थी, वहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है और हमारी संख्या बढ़ती घटती रहती है। लेकिन हम पुरुषों से लड़ी, हम अपराधियों से लड़ी, हम भ्रष्टाचार से, धन और बल से लड़ी और जीत कर जो पहुंची हम लोग। लेकिन आज मुझे है कि बहुत सी महिलाओं को वंचित रखा गया, आज वो महिला अपनी लड़ाई को आगे से लड़ेगी, पीछे रह कर नहीं आती। बिल्कुल, तो अब देखिए अलका लांबा, चूंकि राष्ट्रीय छात्र संघ चुनाव से राजनीति का सफर इनका काफी लंबा रहा है और इनका भी यही मानना है कि अब जो लड़ाई है वो जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर नजर आएगी, क्योंकि अभी तक जो उम्मीदवारी है वही नहीं हो पाती थी। देखिए किस तरीके का आंकड़ा है, लोकसभा में केवल 54 महिलाएं संसद में प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या केवल 25 है, यानी कि अब वो जो भागीदारी है वो बढ़कर 33% हो जाएगी, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हर तीसरी सदस्य महिला होगी। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24।